सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद। एक पासे सफाई सेवकां दी हड़ताल ते दूजे पासे शहर च लगे गंदगी दे वड्डे ढेर। सीवरेज सिस्टम दा बंद होना सरकार अते प्रशासन दे माड़े प्रबंधां दी सिद्धे तौर ते पोल खोलदे नजर आ रहे ने। ताज़ा तस्वीरां सामने आईयां रामपुरा फूल शहर दीयां, जिथे एक पासे कूड़े दे लगे वड्डे वड्डे ढेरां ने शहर वासियां दा जीणा दुब्बर करके रख्या होया है। उत्थे ही सीवरेज सिस्टम दे माड़े प्रबंध भी प्रशासन अते सरकार दे माड़े प्रबंधां दी पोल खोलदे साफ विखाई दित्ते। जेकर गल करिए गुरु नानकपुरा मोहल्ला दी, अक्के मोहल्ला वासियां ने सीवरेज सिस्टम बंद होने कारण पंजाब सरकार अते प्रशासन विरुद्ध जम के नारेबाजी करदिया माड़े सिस्टम नू कोसते नजर आए। उन्होंने तो इथों तक कह दिता कि पिछले चार सालों दे विच कांग्रेस के राज दे विच विकास नहीं विनाश ही होया है। पढ़े लिखे नौजवान रोजगार लई धरने लगा रहे ने, पुलिस उन्हां ते तशद्दत कर रही है। कि यह है पंजाब की असली तस्वीर? हुण तुहानूं ओह तस्वीरां भी विखाउण दी कोशिश करदे आं जिथे सीवरेज दा गंदा पानी लीक होण नाल लोकां दे मनां च सरकार प्रति गुस्से दी लहर विखाई दित्ती। सारिआं नूं पता है कि पंजाब सरकार दे जिन्ने भी 60-70% मुलाजम है वह सारे अजकल सड़कां 'च बैठे ने। डीसी ऑफिसर देख लो, पटवारी देख लो, टीचर देख लो, अजकल PRT रोड बसां दे सरकार जन अपने मुलाजम सारे हड़तालां 'ते बैठे है, सफाई सेवकां वी हड़तालां 'ते बैठे है। असीं पंजाब सरकार नूं यही कहना चाहुंदे आं कि जिन्हां ने इन्हां जायज़ मंगां घट्टो वो जायज़ मंगा मन के इन्हां नूं इस काम तो फ्री किया जाए तो आपदे आपदी ड्यूटी पर जाके परतन। तो शहर का जो बुरा हाल तुसीं देखा, चारे पासे सीवरेज बंद हो, सफाई का बुरा हाल हो, थां थां गंद कूड़ के ढेर लगे हुए हैं। ये सानूं तां लगता भी कुछ दिन बीमारी फैलन का डर है। सरकार पिछों फिर बीमारी सामभ वास्ते लखां करोड़ों रुपये खर्च करूगी, अज क्यों नहीं इस अपने मुलाजमान दी जो जायज़ मंगा मन के इस हड़ताल नूं खत्म किया जाए। सर इन्ना गंदा मतलब इन्नी गंदगी फैल रखी है, एक पासे तो आप कोरोना लिए इन्ने बचाव कर रहे हैं, उपर दी इन्ना काफ़ी टाइम हो गया, 2 हफ्ते तो ज़्यादा हो गया लंघना ही। हाँ जी लंघना ही इन्ना ज़्यादा मुश्किल हो रखी है ना, ना तो घरों बाहर पैर रख सकते हैं, जे रखते हैं तो बीमारी फैलन का डर है, इसलिए तो मतलब कुछ खास प्रबंध होना ही जरूरी है। देखो लोगों को आने जाने से बड़ी दिक्कत हो रही है, गंदे पानी दे विच लंघदे बीमारी फैलन दा डर है जी। इत्थे चारे पासे इक पासे तां रब ने कोरोना फरा रख्या, दूजे पासे आह सरकारां दा देखो बुरा हाल हैगा। पब्लिक करे तां की करे, आम जनता भी जाण तो पूरी मुश्किल दे विच आ, दिक्कत आ रही हैगी, मुश्क सारे पासे आ रहा है, मच्छर फैल रहा हैगा, बहुत बुरा हाल है। गल ये है भी काफ़ी देर तो कोई 1.5 महीने के करीब जी इन्हों की सफाई सेवक की हड़ताल चल रही है, हो सकता इन्हें हड़ताल है जो जेन्युइन असं यह भी कहने, पर सरकार ने इन्हों की भी मंग मननी चाहिए है। तो वो जो ही यह गुरु नानकपुरा मोहल्ला तोता सिंह दर्जी वाली गली के नाल दर्जिया वाला चौंक पुल नंबर 3 जी जाती है, यह सारा चुरस्ता है। चुरस्ते दे विच की है, 1.5 महीने तो लगातार कोई भी स्वीपर या कोई भी सफाई सेवक नहीं आ रहा, सिर्फ साढ़े घर जो नालियां पानी अंदर जा रहा है, जोड़ा पानी अंदर जा रहा वो जी समस्या है, ये मच्छर फैला रही है, मलेरिया फैला रही है, डेंगू फैला रही है, जिदे कारण कोविड चल रहा है, कोविड के नाल लोग इन्ने प्रबंध कर रहे हैं, सरकार प्रबंध कर रही है। इतों के जोड़े बच्चे बुढ़े नौजवान सारे रात को 12 बजे तक सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, स्कूल टीचर मुलाजम प्राइवेट अपने कम्मा करन वाले सारे लंघते हैं, जिन्हें इतों लंघना बहुत ही मुश्किल है। घरों चल के आते हैं, इतों वापस चले जाते हैं, वापस जाते जाते किसी को कहते मैं उतों तक छड़ दे, मैंने इधर ले जा। गवर्नमेंट को चाहिए, प्रशासन को चाहिए जोड़ा प्रबंध है जल्दी तो जल्दी करे, जिड़िया जे को उन्होंने मंगा है उन्होंने मंगा मनने, तो साडा जोड़ा मसला हल करे ता कि असं इस बीमारी तो राहत कर सकी। आने वाला समा जो मतलब भयानक होएगा, जे भयानक होएगा तो तुम आप देख सकते हो इतों का कितना का गंद है, किस तरह के लोग इतने रह रहे हैं, किवें जीवन बतीत कर रहे हैं। सब तो पुराना मोहल्ला पुराना एरिया ये सारी शहर में लिंक करता है, इतने हर एक बंदा जरा लंघ के जाता चारे पासे। मैं तो यही कहना चाहना प्रशासन को भी इधर ध्यान देवे, तो साडा जोड़ा यह है कम्म हल करावे,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਲੱਗਦੇ। ਸੁਬਾਹ ਤੜਕੇ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਣੀ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਡੰਡਾ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੱਲ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਛੱਡੋ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਜਸਵੀਰ ਔਲਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, NC7 ਨਿਊਜ਼।